देखिए बच्चों, ये एमकैट जब एनटीएस कंडक्ट किया जाता था, डीओएचएस का 2016 का के पेपर में ये एमसीक्यू पूछा गया था। इसमें पूछा गया कि सेल एक्स कंटेन 24 क्रोमोसोम, ये सेल एक्स है जिसमें 24 क्रोमोसोम हैं, इट डिवाइड्स मियोसिस, इट डिवाइड्स बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस सेल वाई एंड जेड, यानी कि सेल के अंदर मियोसिस का हासिल हुआ और उसके नतीजे में दो सेल हासिल हुए, एक को नाम दिया गया वाई का, एक को नाम दिया गया जेड। सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज सेल जेड कंटेन, सेल जेड में क्रोमोसोम की तादाद कितनी होगी। बहुत आसान सा इशू है, 24 क्रोमोसोम्स मौजूद है पेरेंट सेल में जो डिवाइड हो रहा है और मियोसिस के जरिए डिवाइड हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि मियोसिस के नतीजे में बनने वाले सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद हाफ हो जाती है। आपको क्या करना है, 24 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 12, इसका मतलब है सेल जेड के अंदर भी 12 क्रोमोसोम होंगे, सेल वाई के अंदर भी 12 क्रोमोसोम ट्रांसफर होंगे। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी कि 12 क्रोमोसोम।